रोको, ट्रक को रोको अखिलेश, ट्रक को रोको। तुम्हें इतना बड़ा पुलिस का डंडा लगा हुआ नहीं दिख रहा? ट्रक को रोको, रोको जल्दी। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, रोक तो लिया ट्रक, रोक तो लिया। बताओ क्या बात है, कैसे पूरी फोर्स लेके खड़े हुए हो, सब लोगों को कैसे लेके खड़े हुए हो, बताओ तो क्या बात है? अरे कहते हो क्या बात है, मुझे गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि तुम्हारे ट्रक में कुछ गैर कानूनी सामान जा रहा है, मुझे तलाशी लेना है तुम्हारे ट्रक की। और ट्रक को तुमने बिल्कुल डंडे के पास लाके खड़ा किया है, बिल्कुल पीछे नहीं रोक सकते थे? राहुल और योगी जी, ट्रक की तलाशी लो। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, किसी ने गलत जानकारी दे दी होगी, मेरे जैसा ट्रक ड्राइवर पूरे एरिया में नहीं है, इतना शरीफ। चेक कर लो, चेक करना चाहते हो, चेक करो पूरे ट्रक को मेरे, मैं खुद चेक करवाऊंगा, करो चेक। कोई बात नहीं है अखिलेश, कोई बात नहीं है, अभी चेक करवाते हैं, कोऑपरेट करो हमारे साथ, अभी चेक करवाते हैं ट्रक को। राहुल जल्दी चलो ट्रक के ऊपर, और योगी जी तुम भी चलो। मोदी सर जी, इधर पीछे तो ट्रक में कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली है पूरा का पूरा ट्रक, कोई चीज नहीं है इधर पीछे। मैं तो उतरता हूँ, इधर पीछे तो है नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं योगी जी, उतर आओ, तुम उतर आओ। राहुल तुम कैसे आगे लटके पड़े हो, तुम आगे से तलाशी लो, पीछे तो कुछ नहीं मिला, योगी जी ने पीछे देख लिया, आगे से लो तुम तलाशी, आगे तुम चढ़ ही नहीं पा रहे हो, आगे बिल्कुल ऐसी लटके पड़े हो। क्या बताऊं मोदी सर जी, मैं आगे से चढ़ रहा हूं, आगे ट्रक के शीशे पर मेरे पैर फिसल रहे, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा हूं। अरे तो आगे से चढ़ी क्यों रहे हो, साइड से चढ़ जाओ, जिधर अखिलेश मुंह निकाला हुआ है इधरी से चढ़ जाओ, समझे, सामने से क्यों चढ़ रहे हो? हाँ मोदी सर जी, आगे भी कुछ नहीं मिला, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रक है ये, इसमें कुछ भी नहीं मिला आगे भी। मैं कहता था मोदी इंस्पेक्टर साहब, देखो कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी ने गलत जानकारी दे दी है आपको। अरे मेरे जैसा शरीफ ड्राइवर कहीं पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ट्रक चलाता हूँ मैं। सही कह रहे हो अखिलेश, किसी ने गलत जानकारी दे दी, हमारे गुप्तचर कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं, लगता है गुप्तचर बदलना पड़ेंगे, गुप्तचरों ने गलत जानकारी दे दी। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे योगी जी, कटहल का बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा बिक रहा है कटहल, ठेले पे सही बिक जाता है कटहल तुम्हारा, बहुत टाइम से कटहल बेच रहे हो तुम। अरे मोदी जी क्या बताऊं, एक साल से कटहल बेच रहा हूं, इतना मद्दा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, पूरे साल में सबसे मद्दा स्टैम है कटहल, कटहल बिल्कुल बहुत ही मद्दा चल रहा है और कोई लेने वाला नहीं है, इस टाइम कोई भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल ऐसी फिर रहा हूँ गलियों में, कोई लेने वाला नहीं है, एक आध किलो तुम ही ले लो। अरे योगी जी, आज सुबह ही मैंने 2 किलो भिंडी ले ली, समझे, अगर भिंडी नहीं ली होती तो मैं तुम्हारा कटहल ले लेता, कल को ले लूंगा, समझे, आज नहीं ले सकता मैं, ये अखिलेश खड़ा है इसको दे दो, अखिलेश ले लेगा। क्यों भाई अखिलेश, ले लो, देखो कितना बढ़िया कटहल है, सफेद बिल्कुल, ले लो, इस टाइम बहुत मद्दा चल रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। अरे मैं इतना जबरदस्ती नहीं करता, अगर बिकता होता, बिक नहीं रहा बिल्कुल, नहीं तो ये सब बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, ले लो। अरे योगी जी, मैंने भी आज सुबह लौकी ले ली, अगर मैं लौकी नहीं लिया हुआ होता तो मैं भी कटहल ले लेता, जिस तरीके से मोदी जी ने सुबह भिंडी ले ली, मैंने लौकी ले ली, नहीं तो मैं ले लेता। अरे मोदी जी और अखिलेश, तुम दोनों मेरी मदद ही नहीं करना चाहते हो, हटो यहाँ पे ठेले के पास से, दूसरी गली में जाके बेचता हूँ, तुम सिर्फ मजे लेते हो खड़े खड़े, कभी भी नहीं लिया तुमने मुझसे कटहल, आज तो चलो अलग बात है, कभी भी नहीं लिया। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।